आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? अरे तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है, तुम्हें नहीं पता क्या, साली तो आधी घरवाली होती है। अच्छा तो आधी सैलरी हमें भी दो। अरे आधा नहीं, पूरा देंगे और पक्का देंगे। जीजू आप शादी से पहले बताए क्यों नहीं कि आप शराब पीते हैं? अरे तो तुमने कहाँ बताया कि तुम्हारी दीदी खून पीती है? जीजू आप बहुत हैंडसम लगते हो, अगले जन्म में क्या बनना चाहोगे? साली जी मैं तो चूहा बनना चाहूँगा। वो क्यों जीजू? अरे तुम्हारी दीदी सिर्फ चूहा से डरती है। जीजू आज आप बहुत टेंशन में लग रहे हो, क्या बात है? तुम्हारी दीदी बोली है दम है तो अकेले में मिलो, तब से दिल बेचैन है, ऑफर देकर गई है या धमकी। कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो, रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। जीजू ऑफर और लोफर में क्या अंतर है? अरे तुम हमें आई लव यू बोलो तो ऑफर, अगर हम तुम्हें आई लव यू बोले तो लोफर। वैसे मेरी दीदी आपको कैसी लगती है? तुम्हारी दीदी बहुत प्यारी और मस्त लगती है, मन करता है वैसे ही और एक ले आऊं। और मैं कैसी लगती हूँ? अरे दामाद जी के दुगो बेटी दोनों में गाती, दामाद जी के दुगो बेटी दोनों में गाती, एगो हप्पल सर तो एगो अपाची, एगो हप्पल सर तो एगो अपाची। जीजू आप ये क्या बोल रहे हैं, मैं कुछ समझी नहीं। साली जी मेरा कहने का मतलब है तुम्हारी दीदी गुड़ है और तुम चीनी। अरे वाह जीजू, आपकी आंखों की गहराई में खो जाना चाहती हूँ और आज आपको बाहों में लेकर सो जाना चाहती हूँ। अच्छा तो साली जी अगर मैं तुम्हें किस करूँ तो तुम क्या सोचोगी? अरे मैं तो यही सोचूंगी कि आप पूरा आम खा सकते थे लेकिन आप सिर्फ चूस कर ही छोड़ दिए।